हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान, लोगों की डिमांड पर कि इसके अंदर क्या निकला है ये वीडियो आप जरूर डालिए तो मैं दिखाऊंगा कैसे क्या चीज़ इसके अंदर से निकाली गई है, क्या निकला है और ये ऑपरेशन के बाद एकदम ठीक हो गया है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अभी सर्जरी करने से पहले हम 1 ml इसको जाइलाजिन दे रहे हैं और जाइलाजिन देने के बाद हमने इसको सर्जरी को शुरू किया है। दूसरा, हमने इसको यहाँ पर लिग्नोकेन का यूज किया है, 2% लिग्नोकेन का यूज किया है हमने यहाँ पर। 8 से 10 ml हमने यहाँ पर लिग्नोकेन दिया है। साइट पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है और प्रिपरेशन के लिए अभी भी इसको हल्का सा दर्द हो रहा है। जैसे ही हम इसको लोकल दे देंगे उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। तो लोकल एनेस्थीसिया दे दिया हमने और उसके बाद हम इसकी शेविंग पहले कर चुके हैं। अब हम इसका एंटीसेप्टिक लोशन से इसको साफ़ कर रहे हैं और एंटीसेप्टिक लोशन से जब बहुत बढ़िया तरीके से साइट की तैयार करना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से साइट तैयार नहीं होगी तो आगे चल के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये हम रूमेनाटॉमी करने जा रहे हैं। रूमेनाटॉमी का मकसद है रूमन का इन्वॉल्वमेंट है, रूमन की सर्जरी करना। ये हम इस पर बीटाडीन पेंट कर रहे हैं। बीटाडीन लोशन पेंट करने के बाद हम यहाँ से एक इंसीजन देंगे, स्किन मसल्स फेसिया इंसीजन से अलग करेंगे। उसके बाद इसके रूमन को बाहर निकालेंगे और रूमन के बाहर ये देखिए, ये 11 नंबर का ब्लेड लेके ये हमने लॉन्ग इंसीजन लगा दिया। ये 6 से 7 इंच का इंसीजन हम लगाते हैं। इंसीजन लगाने के बाद ये इसमें हमने रूमन को बाहर निकाल के ये फिक्स कर दिया है और इसके अंदर से देखिए ये पॉलीथीन बैग, जमे हुए पॉलीथीन बैग और इसके साथ ये आया है। ये मैं मिस्टर पवन से कह रहा हूँ कि देखिए, दिखाइए क्या है। ये पूरी तरीके से ये एक दूसरे के अंदर पॉलीथीन घुस जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, बंच हो जाता है। दूसरी पॉलीथीन हम निकालने जा रहे हैं, ये देखिए, ये एक से एक बढ़िया चीज़ आपको देखने मिलती है। ये देखिए, धीरे 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 पूरी थैली, पूरी की पूरी थैली इसके अंदर से ये निकाल रहे हैं। ऐसा वीडियो बहुत ही कम देखने मिलता है। ये देखिए पूरी थैली, धीरे धीरे हमने इसको लिया है, पूरी थैली देखिए आप। ये पूरी बीच में हम एंटीसेप्टिक लोशन डालते रहते हैं। ये देखिए, ये पूरी थैली निकली है मेरे हाथ में और ये इसी की वजह से इसके अंदर परेशानी थी। ये देखिए पूरी थैली गली नहीं, डिजॉल्व नहीं होती गली बिल्कुल भी थैली। और ये अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर और तो कुछ नहीं है, पूरी तरीके से हमने इसके अंदर हाथ डाला है, पूरी तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत फॉरेन बॉडी इसके अंदर और हो। ये केस था नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडी लाइक प्लास्टिक, रिकरेंट टिम्पैनी थी। लगातार 2-2.5 महीने से इसको अफारा था, अफारा नहीं टूट रहा था इसका। तो ये देखिए, हाथ डाल के पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं कुछ है तो नहीं। इसमें पॉलीथीन बैग जो मिले वो सबको निकाल लिए गए और उससे निकालने के बाद इसको हमने चेक कर लिया और यहाँ पर हमने अब आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा खुला है, कहीं कोई ब्लड नहीं है। पूरी तरीके से आप देखिए इसको, ये देखिए चलाएगा, निकलेगा इसमें से। ये देखिए, ये लोशन हम डाल रहे हैं इसको बेहद बेहतरीन तरीके से। ये केस है रिकरेंट टिम्पैनी का, लेकिन ये रिकरेंट टिम्पैनी इसमें थी नहीं, इसमें था लगातार कॉन्स्टेंट अफारा, लगातार अफारा था इसमें, अफारा लगातार बना हुआ था, अफारा ही नहीं टूटता था। ऐसा लगता था जैसे गुब्बारा इसका
इसके अंदर गुब्बारा फूल गया है, उसको दबाते थे दब जाता था। और ये पूरी तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसा बेहतरीन केस बहुत कम देखने मिलते हैं। ये मैं ऐसे केस करता ही रहता हूँ। अगर किसी का पशु में लगातार अफारा आ रहा है तो वो इस ऑपरेशन को करा सकता है। इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर इसको सही समय से सर्जरी कर दी जाए और सही तरीके से हो जाए और पशु मालिक भी इसका सही तरीके से इसका फॉलोअप कर ले तो लगभग 100% इसमें रिजल्ट आते हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये केस ख़राब हो जाते हैं। बस सिर्फ फ़र्क है कि अच्छा सर्जन इसको ऑपरेशन करे, सही समय से हो जाए और किसान या पशु मालिक बाद में इसका फॉलोअप कर ले, जिसको इंजेक्शन लगवा ले। बहुत ज़्यादा इंजेक्शन भी नहीं लगते इसमें, एंटीबायोटिक लगती है, इसमें एनाल्जेसिक लगता है और इसमें बीटाडीन लोशन या हिमैक्स लोशन इसके घाव जो बनता है उस पर लगता है। लोगों की डिमांड पर ये पूरा वीडियो मुझे डालना पड़ा। हालांकि यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं कि आप ब्लड नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता है। सारी प्रिकॉशंस रखी जाती हैं उसके बावजूद भी आ जाता है, लेकिन लोगों ने कहा था कि सर इसको ज़रूर दिखाइए आप। ये हमने यहाँ से फाइनल बंद कर दिया, रोमन को पहले बंद किया है, फिर स्किन मसल्स फेसिया और ये स्किन को हमने बंद करने के बाद ये यहाँ से स्टे सूचर की मदद से हमने कॉटन बैंडेज लगा दिया। और कॉटन बैंडेज लगाने के बाद हमने इसके ऊपर बीटाडीन लोशन डाल रहे हैं। बीटाडीन लोशन इसके ऊपर ये पड़ रहा है और इसके बाद हम जो इसके ऑनर हैं, जो इसके मालिक हैं, जो महंत हैं, उनका इंटरव्यू भी मैं आपके सामने दिलवाऊंगा। कैसे ऑपरेशन किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, चूँकि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसका अफारा भी ख़त्म हो गया बिल्कुल ऑपरेशन के बाद। देखिए एकदम स्वस्थ हो गया, ये ऑपरेशन करने के बाद तुरंत ही ये खाने लगेगा। ये देखिए ऑपरेशन करते ही खाने लगा, बाबा सामने खड़े हुए हैं। देखिए आपके सामने ये ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन की समस्या, इस पशु की समस्या ये थी कि काफ़ी दिन से इसको, ये बाबूजी बताएं कब से इसको अफारा था, अफारे के बाद इसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन क्या क्या निकला बाबूजी सब बताएंगे। तो मैं अब बाबूजी से पूछना चाहूँगा कि आप प्लीज़ बताइए कि क्या हुआ था इसको, ऑपरेशन में क्या इसके अंदर से निकला और अब इसका अफारा ख़त्म हुआ या नहीं, बताइए थोड़ा सा। श्री सीताना समारम श्री रामानंदारे मध्यमाम अस्मदाचार्य प्रेमताम वंदे श्री गुरु परम्परा। बोलो अपने श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं महंत रामदास श्री हनुमान मंदिर कृष्णा मार्केट लाइसन नगर पार्ट 1 नई दिल्ली 24। ये बछड़ा पिछले 3-4 महीने से काफ़ी बीमारी को झूल रहा था, जिसके कारण इसको उठना बैठना जो था इसका बड़ा मुश्किल था और काफ़ी इलाज किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हमने डॉक्टर साहब से अपील किया, निवेदन किया कि आप आइए और इसको ज़रा बछड़े का इलाज जो है करिए, ताकि इसको कोई तकलीफ़ ना हो खाने पीने में, उठने बैठने में। और डॉक्टर साहब ने पूरे अपने मन से जो है, तन से मन से इस बछड़े के लिए जो है ये सेवा करी और जो कि इसका ऑपरेशन जो आज हुआ है उसे सफल हो गया है। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। तो क्या निकला ऑपरेशन कराया? ऑपरेशन कराया है, इसके अंदर से पॉलीथीन निकले हैं और जो भी लोग आते हैं, जैसे गाय को डाला कुछ भी इसको डाला तो वहीं छोड़ के चल दिए, वो बछड़े ने खा लिया और जाके वो अंदर इसके फूल गया और जिससे इसको काफ़ी तकलीफ हुई और काफ़ी जो है और भी गंद जैसा निकलता है, जो भी खाया वो गाजरें थी, भूसा था, जो भी था, मूली थी, जैसे जो भी कुछ चीज़ डाल जाते वो पाचन शक्ति जो थी वो बंद हो रखी थी, जिससे इसको ये तकलीफ हो रही थी, ये सब जो है ये निकाला गया। देखिए बाबूजी ने बताया कि इसमें पिछले 3-4 महीने से इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसका अफारा नहीं टूट रहा था, लगातार इसमें अफारा रहता था, कोई भी दवा इसकी काम नहीं करती थी, जो भी दवा देते थे उससे अफारा नहीं टूट रहा था। इन्होंने बहुत सर्च किया, बहुत डॉक्टरों से दिल्ली में बात की और कोई नतीजा नहीं निकला। फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने बाबूजी से एक ही बात कही थी कि इसके अंदर पॉलीथीन बैग हो सकते हैं, इसकी हम सर्जरी करेंगे। फिर हमने इसकी सर्जरी की है और सर्जरी के बाद इसके अंदर से पॉलीथीन निकाली है, जो हम आपको दिखाएंगे भी। और सर्जरी के बाद ही खड़े खड़े इसका ऑपरेशन किया गया, यहाँ से छोटा सा ऑपरेशन करके इसमें हाथ डाल के हम लोगों ने पॉलीथीन निकाली और इसके टाँके भर दिए और ये अब
चारा भी खाने की कोशिश कर रहा है, चारा भी खा रहा है और पूर्णतः स्वस्थ है। इस टाइप का अगर किसी का पशु है, लगातार अगर किसी पशु में अफारा बनता है, लगातार अगर अफारा बनता है, तो आप ये समझ लें कि उसके अंदर कोई पॉलीथिन बैग है, उसी की वजह से अफारा बना हुआ है। लगातार अफारा बनने का यही सिम्टम्स है कि कोई पॉलीथिन बैग। तो आज ये ऑपरेशन बहुत कामयाब है। 8-10 दिन के बाद हम बाबूजी से कहेंगे इसकी वीडियो बना के भेजें, बाकी अब तो कहीं अफारा है ही नहीं इसमें। ये वही है जिसमें बहुत सारा अफारा था, बिल्कुल मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाई दे, कहीं अफारा नहीं है, पूरा अफारा इसका खत्म हो गया, एकदम चंचल प्रवृत्ति का है। ये ऑपरेशन के बाद की वीडियो है, जस्ट ऑपरेशन के बाद की, इससे बढ़िया ऑपरेशन कुछ हो नहीं सकता है। तो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल पशु स्वस्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर का भी देखो पेट, इसका आगे इधर का भी पेट देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पट्टी इसके ऊपर लगा दी गई है, ये देखिए इधर का भी अफारा खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। चूँकि वो जो प्लास्टिक रहती है, जो थैली रहती है, वो इसमें घूमती रहती है, तो घूमती जब रहती है तो जो रूमन का मूवमेंट है, जो चक्की चलती है, जो पेट की चक्की चलती है, वो पेट को चलने नहीं देती है। और जब पेट नहीं चलता है तो लगातार अफारा बना रहता है। ऐसे मेरे द्वारा सैकड़ों ऑपरेशन किए गए हैं, बहुत ही कामयाब और सफल ऑपरेशन है, उसी की कड़ी में आज ये और जुड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।